क्वेश्चन में हमको दिया है स्पॉट रेट 48.0123 रुपीज फॉर ईच डॉलर। 180 डेज का फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है 48.8190 रुपीज फॉर ईच डॉलर। मतलब आज डॉलर खरीदना है तो 48 रुपए 0123 में मिल जाएगा, लेकिन 180 दिन बाद करना है, खरीदना है तो आज कॉन्ट्रैक्ट कर लो 48 रुपए 8190 में हर डॉलर के लिए। अब एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6 महीने के, 6 महीने के लिए एनुअलाइज्ड है, ध्यान देना 6 महीने के लिए एनुअलाइज्ड है, रुपी का 12% और डॉलर का 8%। इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी? क्या आर्बिट्रेजिंग पॉसिबल है यहां पे? आर्बिट्रेजिंग कहां पॉसिबल होती है कि पर्टिकुलर कोई चीज इतनी होनी चाहिए थी इतनी नहीं है तो मिसमैच है, तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करके सस्ते जगह से खरीद के महंगे जगह बेच के आप आर्बिट्रेजिंग यानी गेन कर सकते हो अपना। इफ यस, हाउ एन आर्बिट्रेजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन? अगर आर्बिट्रेजिंग पॉसिबल है तो बताओ किस तरह से एक आर्बिट्रेजर सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। इफ ही इज विलिंग टू बोरो 40 लाख रुपीज और 83,312 डॉलर, 40 लाख रुपए या तो बोरो करके या तो 83,312 डॉलर बोरो करके, जो भी अप्लीकेबल हो, तो किस तरह से आर्बिट्रेजिंग का फायदा हम उठा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमको रुपीस पर डॉलर का स्पॉट रेट दिया हुआ है, रुपीस पर डॉलर का फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है एक्चुअल मार्केट में क्या, यानी कि आज अगर डॉलर खरीदना चाहते हो तो 48.0123 में खरीद सकते हो, लेकिन आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो 1 साल बाद खरीदने के लिए, यानी 1 साल बाद का रेट आज फिक्स करना चाहते हो तो वो है 48.8190, ठीक है। उसके बाद हमको 6 मंथ्स के एनुअलाइज्ड यील्ड भी दिया हुआ है हमको इंडिया का और यूएस का, 12 और 8%। और हमको यहाँ पूछा है कोई आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है क्या। पहली बात तो आर्बिट्रेजिंग क्या होता है, आर्बिट्रेजिंग यानी कि सस्ते मार्केट से खरीद के महंगे मार्केट में बेचना। आर्बिट्रेजर सिर्फ सिचुएशन ढूंढता है कि कहाँ पे ये चीज, कोई पर्टिकुलर चीज प्रोडक्ट मार्केट में इतने में बिकना चाहिए था लेकिन इतने में बिक रहा है, यानी 10 रुपए में बिकना चाहिए था 12 रुपए में बिक रहा है, तो उसको 2 रुपए की अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं 2 रुपए कमा सकता हूँ। उसको लगता है कि 10 रुपए में बिकना चाहिए था 8 रुपए में बिक रहा है, तो उसको भी लगता है कि 2 रुपए की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे 2 रुपए में कमा सकता हूँ। 10 रुपए में बिकना चाहिए था 10 रुपए में ही बिक रहा है, तब जाके कोई आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहती उसके लिए। लेकिन जितना होना चाहिए था पर्टिकुलर चीज की प्राइस उतनी अगर नहीं है तो आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटीज है। तो जितना होना चाहिए था थेरी से निकलता है, जितना है एक्चुअल दिया होता है। अब हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड रेट एक्चुअल दिया हुआ है कितना, 48.8190 एक्चुअल फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, यानी आज से आज कॉन्टैक्ट कर लो 1 साल बाद के लिए, तो आज का वो जो रेट है 1 साल बाद का 48.8190 दिया हुआ एक्चुअल मार्केट में। यानी कि मैं बैंक गया और बैंक को पूछा कि भैया 1 साल बाद में मेरे को डॉलर खरीदना है तो क्या रेट पड़ेगा, 48.8190 उसने बता दिया एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। अब मुझे क्या करना है आर्बिट्रेजिंग पॉसिबिलिटी निकालने के लिए, थियोरटिकल निकालना है कि होना कितना चाहिए था, दे तो दिया 48.8190, होना कितना चाहिए था, और ये होना कितना चाहिए था निकलता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी से। सो मैं यहां पे ले लेता हूं एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इज 48.8190, और थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट हम यहां पे निकालेंगे यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, ठीक है। देखो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट। अब 6 महीने का ही निकालना है हमको, याद रखना 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने का ही हमको फॉरवर्ड रेट दिया होता है, 6 महीने का ही निकालेंगे रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। 6 महीने का कितना होगा, डोमेस्टिक कंट्री कौन सी, मेरी रुपीज पर डॉलर रेट दिया है तो रुपीज अभी डोमेस्टिक कंट्री होगी, वो है 6%, यानी कि 12 का आधा, और नीचे आ जाएगा आपका 1.04, यानी कि 8 का आधा फॉरवर्ड, और स्पॉट रेट क्या आएगा 48.0123। तो इससे हमको पता चल जाएगा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट कितना होना चाहिए। यानी कि 6 महीने का जो फॉरवर्ड है वो इतना होना चाहिए था। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इज लेस देन थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट। देख लो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट कम है,
थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट से कम हो या ज्यादा हो, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है। जितना होना चाहिए था उतना ही अगर है तो कोई आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है तो पॉसिबिलिटीज आती है। हेंस फॉरवर्ड रेट, मैं बोल सकता हूँ फॉरवर्ड अंडर वैल्यूड है क्योंकि कम है, फॉरवर्ड इज अंडर वैल्यूड। तो आप अब आर्बिट्रेजिंग कर सकते हो कैसे, बाय अंडर वैल्यूड चीज को आप बाय करते हो, सेल करते हो, बाय करते हो। मार्केट में फॉरवर्ड का रेट कम है, कम प्राइस पे चीजें खरीदना पुराता है, इसलिए बाय फॉरवर्ड। बाय फॉरवर्ड मतलब आज बाय कर लो फॉरवर्ड, मतलब आज प्रॉमिस कर लो कि मैं उस दिन डॉलर खरीद लूंगा तो जाके फायदा होगा, लेकिन आज अगर आप प्रॉमिस करते हो कि मैं उस दिन डॉलर बेचूंगा तो गलत हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। अच्छा, बाय करना या सेल करना कैसे डिसाइड किया, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन से। और अंडर वैल्यूएशन कैसे डिसाइड किया, एक्चुअल मार्केट में रेट कम है तो फॉरवर्ड अंडर वैल्यूड है तो बाय करो, और बाय करो फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड में असेट खरीदो। स्पॉट बाय करना मतलब आज असेट खरीदो, फॉरवर्ड में बाय करो मतलब फॉरवर्ड में असेट खरीदो। स्पॉट सेल करना मतलब आज सेल करना असेट, फॉरवर्ड सेल करना मतलब कल जाके असेट सेल करना। तो हमको क्या करना है, बाय करना है फॉरवर्ड, बाय करना फॉरवर्ड यानी डॉलर खरीदना है तो जाके बात बनेगी। अब देखो ट्रांजेक्शन अंडर आर्बिट्रेज, टाइम जीरो, ध्यान देना क्या क्या चीजें करने की जरूरत होती है और क्यों। अब आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया बाय फॉरवर्ड, ठीक है, ये आपने बाय फॉरवर्ड किया तो आज तो कुछ पैसे लगते नहीं है आपके, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आज आपने प्रॉमिस किया कि उस दिन आप डॉलर खरीदोगे, क्यों बैंक से उस दिन आप डॉलर क्यों खरीदोगे। अगर उस दिन आपने डॉलर खरीद लिए तो किसी को देने पड़ेंगे ना, यूएस में किसी को यूएस में देने होंगे, इसलिए आज आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं उस दिन आपसे डॉलर खरीदूंगा। तो जैसे कि मैं अगर यहां पे लूं तो आप उस दिन बैंक से डॉलर खरीदोगे और किसी को दोगे, उस दिन डॉलर खरीदोगे और किसी को दोगे, किसी को देने हैं इसलिए उस दिन आप खरीदोगे, इसलिए आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब एक चीज बताओ, धीरे धीरे करके पीछे आते जा रहे हैं, उस दिन आप किसी को डॉलर क्यों दोगे, ये रही यूएस, उस दिन आप डॉलर किसी को क्यों दोगे, क्योंकि आज आपने उससे बोरो किया होगा डॉलर। देख लो, आज आपने उससे लोन लिया तो ठीक 6 महीने बाद उसको इंटरेस्ट के साथ देना होगा, ये आपको पता था, इसीलिए आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 6 महीने बाद बैंक से खरीद के उसको दे दोगे। तो ये तो कंफर्म है कि आज क्या किया आपने, उससे बोरो किया, बोरो डॉलर, कितना बोरो किया आपने, 83,312 डॉलर बोरो किया, ये आपके पास 83,312 डॉलर आए, ये आपने कन्वर्ट करा लिया, ठीक है। अब आपने कन्वर्ट किया तो स्पॉट में कन्वर्ट कराया होगा तो ये 83,312 डॉलर चले गए, है ना। तो आपके पास इसके बदले में रुपीज आए होंगे कितने, स्पॉट में कन्वर्ट कराया तो 48.0123 के रेट से कराया होगा, देखो क्या रेट आते हैं, 40 लाख रुपीज। अब आप क्या करोगे इस 40 लाख का, आपने क्या किया आज बोरो किया, बैंक जाके कन्वर्ट कराया तो 40 लाख आए, अब आपके पास में 40 लाख रुपए, उसका क्या करोगे, 40 लाख को इन्वेस्ट कर दो 12% पर एनम के रेट से, ये हो गए ट्रांजेक्शंस। देखो डॉलर आया डॉलर गया, 40 लाख आया 40 लाख गया, जीरो पोजीशन मतलब नेट इन्वेस्टमेंट कितना लगा मेरा, जीरो, उसमें मैंने चार जगह पोजीशन ओपन कर ली है, ठीक है।
तो अब 6 महीने बाद क्या होएगा? देखो, 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। छह महीने बाद ही है तो 6% ही मिलेगा उसमें सिर्फ आपको, 42 लाख, 40,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। आपको पेमेंट कितना करना है? रीपेमेंट ऑफ लोन कितना बोरो किया था? 83,312। क्या रेट से बोरो किया था? 8% पर एनम। वहां का रेट क्या था? वहां से बोरो किया तो वहां के रेट पे बोरो किया होगा, 8% पर एनम, और 6 महीने हुए तो सिर्फ 4% उसको वापस दोगे। एट्टी सिक्स सिक्स फोर्टी फोर 48 इतना वापस देना था, और इतने के लिए ही आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि जितना मेरे को देना है उतना ही मैंने प्रॉमिस किया होगा कि मैं खरीदूंगा, है ना? तो आप बाय करोगे डॉलर अंडर फॉरवर्ड, तो डॉलर आपके पास आएंगे कितने? 86,644, क्योंकि आपने यहां प्रॉमिस किया था खरीदने का, आप खरीदो, 0.48, लेकिन इसके बदले में आपको रुपीज देने पड़ेंगे। 86,644.48 इंटू आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? जो रेट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या रेट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? एक्चुअल रेट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 48.8190। एक डॉलर में यह रेट पे खरीदूंगा, वो है 42,29,897। इतने रुपीज आपको देने पड़ेंगे, तो आप इतने रुपीज दे के डॉलर खरीद लो। तो देखो क्या हो रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो 42,40,000 मिल गए आपके पास। अब आपने फॉरवर्ड में डॉलर खरीदना है, कितने? 86,644.48। अब ये कैसे डिसाइड किया कि मैंने फॉरवर्ड में इतना ही डॉलर खरीदना है? मैंने यहीं पे जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही यही किया था कि मैं ये रेट पे इतने डॉलर खरीदूंगा। अब आप बोलोगे मुझे पहले कैसे पता था कि मैं इतने डॉलर खरीदूंगा? हाँ, आपको पहले पता था क्योंकि आपने बोरो कितना किया था? 83,312। जब आपने बोरो किया था 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे, तभी रेट फिक्स हो गया था, 8% इंटरेस्ट दोगी, तो तभी पता चल गया था कि ठीक 6 महीने बाद आप इतना पेमेंट करोगे उसको, और उस दिन आपको इतने डॉलर लगेंगे, इसलिए आज उसी दिन आपने 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने डॉलर खरीदने का प्रॉमिस कर लिया। तो आपने इतने डॉलर खरीदा और उसको दे दिया, तो ये हो कट गया, प्लस माइनस हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया। बचा क्या? 42,40,000 आया, 42,29 गया, तो नेट में देखो क्या बच रहा है। गेन ड्यू टू आर्बिट्रेज 10,103 रुपए का, कि आर्बिट्रेजिंग की वजह से कितना फायदा हुआ देख लो। बिना पैसे दिए आपने पोजीशन ओपन की और अल्टीमेटली आपने सेटलमेंट किया, 42 लाख का 42,40 हो गया, जो फॉरवर्ड में बाय करने का वादा किया था वो आपने बाय किया। अब 86,644 डॉलर बाय करने के बाद कुछ पैसे देने भी तो पड़ेंगे उसको, जब बाय कर रहे हो तो ये पैसे देने पड़ेंगे। ये पैसे कहां से आए? जो ग्रेट एग्री हुआ था उससे। सो दिस इज हाउ द आर्बिट्रेजिंग कैन बी डन। बहुत ही लॉजिकल है ये सब। आपने यहां से सब कहानी शुरू होती है, बाय करना था, ठीक है? आपने ये प्रॉमिस किया था कि मैं उस दिन बाय करूंगा तो मुझे फायदा होगा, और उस दिन मैं बाय क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने आज किसी से मैं उस दिन बाय क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे उस दिन किसी और को देने होंगे। उस दिन किसी और को देने क्यों होंगे? ये मैं उस दिन बाय करूंगा, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे उस दिन किसी को देने होंगे। ये देने क्यों होंगे? क्योंकि आज मैंने बोरो किया होगा, ये एक दो तो तीन, तो क्योंकि आज मैंने बोरो किया होगा, और आज बोरो करके मैंने कन्वर्ट कराया और रुपीज जो आए उसको इन्वेस्ट कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट का पैसा मुझे वापस मिला, बाय किया वापस रिपे किया, कहानी खत्म, ये गेन आया। समझ में आ रहा है? यू कैन टेक एनी अदर फिगर्स एंड ट्राई द आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेजिंग इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज, कितना रेट होना चाहिए था, क्या रेट है। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे तो देर एग्जिस्ट द आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी, एंड बाय फ्रेमिंग सच अ ट्रांजेक्शन यू कैन गेन सम प्रॉफिट।
सो जस्ट डू वन थिंग, राइट इट डाउन एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय बाय.